हेलो फ्रेंड्स, मैं इंडियन आर्ट फेडरेशन की ओर से विनीता शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की, आज बहुत जगह लॉकडाउन खुल चुका है, तो आप जब तक जरूरी ना हो प्लीज 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 घरों से बाहर ना निकलें, घर में रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। तो मेरे पिछले सारे जो भी वीडियो है मैंने देखा कि आप लोगों ने बहुत पसंद करे और शेयर भी बहुत किए हैं, उसके लिए तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे आप कितना सीख पा रहे हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए आज अपन एक और काम करते हैं। मैं जो भी आप घर पे करें होमवर्क समझ के करें, आप उसको शेयर करें मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपने क्या गलती करी है और क्या नहीं। धीरे धीरे आपका इतना इम्प्रूवमेंट होएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जो वीडियो है उनसे बच्चों ने कुछ सीखा। तो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो है आपको पता है कि मैं आज आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बताने वाली हूँ, और ये पर्सपेक्टिव ड्राइंग और पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको प्लीज बिल्कुल मिस मत करिएगा। बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पर्सपेक्टिव जाने आप एक बहुत अच्छी ड्राइंग या अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकते। इसको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको सीखना ही होगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने जितने इजी तरीके से मैं बताऊंगी कि आप एक ही बार में सीख जाएं, और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, अपन एक क्लास पर्सपेक्टिव और ले लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्योंकि आपको सीखना जरूरी है इसलिए इस पर पूरा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा इसको, क्योंकि ये बिगनर्स के बहुत काम आने वाली चीज है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं और आज जानते हैं पर्सपेक्टिव क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको पर्सपेक्टिव के बारे में बताने वाली हूँ, इसके बिना आप ड्राइंग नहीं कर सकते, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन ये वो बताने से पहले मैं आपको जो पिछला लोगों ने मुझसे पूछा सबने, वो मैं बता दूं कि मैं शेडिंग पेंसिल ये वाली मैंने यूज करी थी, मैं 2B अधिकतर यूज करती हूँ, और ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं, ये मार्केट में एक सेट के रूप में आपको मिलेगी, और पेपर मैं ये स्केचबुक वाला यूज करती हूँ, ये एरो की स्केचबुक है जो कि सबसे अच्छी आती है, और ये सब शेप में सब साइज में आपको मिलेगी, तो ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। अब अपन अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्तों कि पर्सपेक्टिव है क्या, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कुछ 2D और 3D शेप्स बना रखी है, तो इनसे आज मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, पर्सपेक्टिव एक तरीका है जो कि पेपर पे बनी हुई 2D शेप को 3D में कन्वर्ट करता है, हमको 3D में फील कराता है, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको उठा के दिखाऊं, अपन जैसे कोई भी शेप है, ठीक है, कोई भी शेप होती है सब 3D में ही होता है, लेकिन हम जब उसको पेपर पे बनाते हैं तो वो सबसे पहले 2D शेप में बनाते हैं ऐसा, ठीक है। जब हम उसको पर्सपेक्टिव वाला तरीका लेकर जब हम उसको 3D में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो कुछ इस तरह से दिखने लग जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये सारी 2D शेप्स हैं और ये सारी 3D शेप्स हैं। 2D शेप में हमको सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दिखती है, और 3D शेप में हमको उसकी लेंथ भी नजर आती है, ठीक है, ऊंचाई शेड से। उसके लिए हम पेंसिल शेड का भी यूज करते हैं, दो तरीके होते हैं उनको दिखाने के। सबसे पहला तरीका है लाइन से, हम 3D लाइन से दिखाएंगे, और फिर उसके नेक्स्ट हम शेड और शेडिंग से दिखाएंगे, शेडो भी दिखाते हैं उसमें और शेडिंग भी करते हैं, उससे वो और भी अच्छी तरह से नजर आने लग जाती है। तो ये सब शेप्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, जैसे सर्कल 2D में बनेगा तो वो ऐसे रहेगा, जब वो 3D में होगा तो वो स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। ये स्क्वायर शेप है, और जब ये 3D में कन्वर्ट होती है तो ये क्यूब हो जाता है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, और जब ये 3D में कन्वर्ट होता है तो ये पिरामिड शेप ले लेता है, इसको हम फिर पिरामिड बोलते हैं। ये ट्रेपीजियम शेप है, और ये जब 3D में कन्वर्ट होता है तो ये प्रिज्म कहलाता है। ये सिलेंडर शेप है, ये सिलेंडर ही कहलाता है, ठीक है, ये देखिए। और ये रेक्टेंगल है, और ये जब 3D में होता है तो क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं इनको पास से दिखाऊं आपको तो आपको फील होंगे, देखिए देखिए, सब अच्छी तरह आपको नजर आ रहे हैं, और इनके बिना आप एक बहुत सुंदर ड्राइंग कर ही नहीं सकते, तो इसलिए पर्सपेक्टिव क्या है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं पर्सपेक्टिव का आपको डेफिनेशन एक बार फिर से बताती हूँ। पर्सपेक्टिव एक वो तरीका है जो पेपर पे बनी हुई 2D इमेज को 3D में हमको फील कराता है,
ठीक है। अभी और उसको अपन बोल सकते हैं कि ये हमारा एक देखने का नजरिया है, ठीक है। और ये नजरिया सबको हर एंगल से अलग अलग नजर आता है। हम कोई भी शेप है, जैसे हम इस शेप को बना रहे हैं, ठीक है, चार जने मिलके बना रहे हैं, चार अलग अलग कॉर्नर पे बैठ के, तो वो चारों का एक अलग अलग ही बनेगा, वो सबका ऐसा नहीं बनेगा, किसी में ये चीज ज्यादा दिखेगी, किसी में ये वाला पोर्शन कम दिखेगा, तो वो एक सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूँ, जैसे एक ये ड्रॉइंग है, ठीक है, अपन बीच में खड़े होके सड़क पे और ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये पेड़ हैं और ये पीछे का हिस्सा है खाली। तो फ्रेंड्स जो है ये फुटपाथ है, ये सब जाके एक एंगल पे मिल जाते हैं, एक पॉइंट पे हम दूर से जब देखते हैं, हालांकि ये है मिलता कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी आंख जो देख रही है, हमारा जो नजरिया है वो ऐसा ही दिखेगा हमको, तो इसको ये पर्सपेक्टिव कहलाता है। जो चीज पास में होगी वो हमको बड़ी दिखेगी और वो जो चीज दूर चली जाएगी वो हमको बहुत छोटी दिखेगी, ठीक है। मैं अब आपको कुछ बना के भी बताती हूँ कैसे, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि एक बिल्डिंग का अपन लेते हैं या ट्रेन की पटरी का लेते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रेन की पटरी होती सीधी सीधी है, ठीक है, कहीं जाके वो एक पे मिलती नहीं, लेकिन जब हम उसको देखते हैं एक जगह से खड़े होके, तो वो हमको ऐसी ही नजर आती है कि वो इस पॉइंट पे आके मिल गई। ये पर्सपेक्टिव कहलाता है। जैसे हमने एक बिल्डिंग ली, सामने से देखेंगे तो हमको सिर्फ यही इसी तरह से दिखाई देगी, ठीक है। अब हल्का सा हम एंगल चेंज करते हैं तो हमको ये साइड वाला व्यू भी दिखना चालू हो जाता, ठीक है। अगर हम और ऐसे खड़े हैं, देखिए सेंटर में खड़े हैं किसी बिल्डिंग के, और दोनों साइड देखते हैं तो एक साइड वो इस तरह से शो करेगा और ये जो खिड़कियां वगैरह हैं वो सब इसी तरह से चलती जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक है, ये फुटपाथ हो गई। इस तरह से अब इसमें अपन जितनी अच्छी शेडिंग कर सकेंगे उतना अच्छा ये व्यू और भी ज्यादा क्लियर दिखना चालू हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि इसमें देखने वाला कहाँ खड़ा है। इस तरह से अब मैं आपको और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। जैसे एक वेव लेते हैं अपन, ठीक है, लहर, तो आप उसको 2D में कैसे ड्रॉ करेंगे वेव को, अपन वेव को 2D में ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब अपने को इसको 3D में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक और उसमें चलेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब जब हम इसमें शेडिंग करते हैं तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत और बिल्कुल रियल दिखने वाला हो जाता है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि हम इसमें लाइट डार्क का इफेक्ट भी दे देते हैं। अभी मैं इसको और अच्छा करके दिखाऊंगी आपको, अभी कुछ हद तक 3D आपको दिख रहा होगा, ठीक है।
अब मैं आप इसको और अच्छा करती हूँ, देखिए अब ये चीज नीचे से आ रही है तो ये यहाँ से डार्क हो जाएगा। अब ये इधर से घूमी और ये वाला पोर्शन नीचे हो गया तो ये इतना सा हिस्सा डार्क होगा और ये इस तरह से जहां भी टर्न होएगा वो वाला पोर्शन डार्क हो जाएगा। अब ये फिर इधर से आया फ्रेंड्स, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये पेंटिंग के अंदर ड्राइंग के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। अगर ये अच्छे से आ जाता है तो आपकी ड्राइंग पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनेगी। ये बेसिक है और ये बहुत जरूरी बेसिक है, इसको आप अवॉइड करके चल ही नहीं सकते, इसलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बता दूं, नहीं तो पर्सपेक्टिव का मामला ही थोड़ा गड़बड़ है, समझ में कमी आता है। क्योंकि ये वाले पैटर्न तो हम फिर भी कर लेते हैं लेकिन जो ये बिल्डिंग वाले हैं इनमें बड़ा दिक्कत होती है। देखिए अब ये यहां से घुमा हुआ भी आपको दिखेगा और क्लियर करती हूँ इसको। ये देखिए अब मैं आपको इसको पास से दिखाऊंगी, ये देखिए ठीक है। मैं सोचती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, और ये समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक जैसे हमारी एक ये स्क्वायर हमने बनाया, उसके अंदर हमने एक और स्क्वायर बनाया ठीक है। अब ये तो थी इसकी 2D ड्रॉइंग, अब मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ 3D में ठीक है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये एक ऐसा है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है ठीक है। अब ये अंदर की तरफ और भी जाता हुआ कब दिखेगा, जब हम इसमें शेडिंग करेंगे, यहां से डार्क और यहां जाते जाते बिल्कुल लाइट। जितना अंदर होगा वो डार्कर होगा और जितना बाहर आएगा वो लाइट वाला टोन होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शेडिंग में 4 टोन कम से कम दिखनी चाहिए, उससे बहुत खूबसूरत इफेक्ट आता है। तो आपने, मैं सोच सकती हूँ कि अपने हाथ को थोड़ा तो रेडी किया ही होगा। और फ्रेंड्स प्लीज, अगर मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो उसको देखना स्टार्ट करिए, अगर आपको ड्रॉइंग पेंटिंग में रुचि है तो, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगा। और आप प्लीज इसको शेयर भी करें ताकि आपके और लोगों को भी, बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है ये, बहुत छोटा सा बेसिक है बट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए तो मैं पास से दिखाती हूँ आपको, देख रहे हैं ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी लेके और करके बना सकते हैं, बस आपको जानना जरूरी है सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे ठीक है। ये समझो हम बैठे हैं और अगर 4 जने उसको बैठ के बना रहे हैं या 6 जने बैठ के बना रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ हम, यहाँ इन सब जगह सब लोग बैठे हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो वो सबको कैसे दिखेगा अलग अलग, क्योंकि अलग अलग दिखेगा तो ये सारी शेप सबकी साइड से अलग अलग ही बनेगी, कहीं भी कुछ एक सा नहीं होगा। कहीं भी कुछ जो सामने बैठा होगा उसका यूं दिखेगा, हल्का सा टेढ़ा होगा उसका यूं और ज्यादा होगा, तो ये इस तरह से ये बनता चला जाएगा। तो इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं बच्चों। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे फिर मैसेज में बता सकते हैं कि आपको नहीं आया। आप प्लीज प्लीज इन सबको घर पे ट्राई करिए और समझने और सीखने की कोशिश करिए, अपने फ्रेंड्स में
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये बहुत बेसिक सी जानकारी है, मैं चाहती हूँ सबको आए, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की इसको बहुत इजी वे में सिखाने की। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप ये जरूर ट्राई करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।